नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सी यू टी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सी यू टी यू जी सेकेंड कट ऑफ लिस्ट, उनके लिए बहुत ही खास अपडेट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ये जो अपडेट है आप हर किसी को पहले बता जरूर देना, क्योंकि भाई जो टेक्निकल ग्लीचेज है, जो अपडेट है, मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अवेयर रहना है। मिस कर गए जैसे, देखो पता है आपको भरोसा नहीं होगा, फर्स्ट कट ऑफ में जिन लोगों ने मिस कर दिया उनको एडमिशन के चांस नहीं मिलने वाले। ये बहुत बड़ा एक दुखद समाचार है। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं भावुक हो रहा हूँ कि उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच, क्योंकि पता है अगर वो वीडियोस देखते या उन्हें अपडेट मिल जाता तो फाइनली वो ऐसा नहीं होता उनके साथ। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, चलो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ठीक है। एटलीस्ट काउंसलिंग तक आपको वीडियो ज़रूर देखना है। अभी ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस चस्पा किया हुआ है जिसमें ये सब चीज़ें मेंशन किया है कि इनका जो टेक्निकल ग्लिचेज है, जो इशूज है, और लाइक खैर इन्होंने तो स्टेटमेंट ये दिया है कि बच्चों की ही गलती है, क्योंकि बच्चों ने फॉर्म में कुछ गलतियाँ करी हैं, लाइक सी यू टी का एप्लीकेशन नंबर, वो नंबर जो है आपने गलत भर दिए हैं, आपके मार्क्स गलत भर गए हैं, वो डेटा वहाँ फेच नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, ये सब समस्याएं जो है यहाँ पे रिटेन है, जिसकी वजह से ये लोग फिर से डिले कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सोचो कल आना था, नहीं हुआ, आज भी नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड जो कट ऑफ लिस्ट है वो आज भी नहीं आएगा। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ जो लाइन लिखी गई है। वो लिखी गई यूजी प्रवेश 2023-24 की दूसरी सूची 11 को प्रकाशित की जाएगी। खैर यहाँ पे की जाएगी स्टेटमेंट है, एक बार इन्हें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था। मैं ऐसे स्टेटमेंट नहीं लेता क्योंकि मुझे भरोसा नहीं कल भी, ठीक है आ जाएगा तो अच्छी बात है, मैं चाहूँगा कि आ जाएगा, लेकिन इन्होंने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है यही कि कल आएगी, मतलब 11 को आएगी। आई थिंक आज 10 होगा, ठीक है आप थर्ड कन्फर्म कर लेना डेट जो है, मतलब यहाँ भी 11 का डेट रखिए। फिर एनटीए डेटा और उम्मीदवारों के पंजीकृत फॉर्म में भरे गए डेटा के बीच अंतर पाया जा रहा है, मतलब इनका कहना है कि जो डेटा है वो मिसमैच हो रहा है। इन्होंने रीजन भी दिया है कि क्यों लेट हो रहा है। फिर थर्ड लिख रहे हैं उम्मीदवारों की शिकायतों पर विचार करने के बाद दूसरी सूची प्रकट की, और वो ये बोल रहे हैं कि बच्चों के जो शिकायत है वो इनको एप्लीकेशन के फॉर्म में मिला है। आपको मैं दिखाया था अपने वीडियो में, मैं खुद ही इनको दिया था एप्लीकेशन, और ये पूरे एप्लीकेशन को कंसिडर करके उस पर विचार करके ये लोग फाइनली आपका जो सेकंड लिस्ट है वो बनाएंगे। तो पूरा अभी के लिए जो आपके साथ यही है, प्लीज़ आप लोग वीडियोस देखते रहना, जैसे ही लिस्ट आती मैं आपको अपडेट करूँगा। और यही है कि अभी लिस्ट नहीं आ रही है और अपडेटेड रहना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपडेटेड रहना है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप लोग मेरे को फिर ऐसे जब कॉल आते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मेरा ये मिस गया, मेरा ये छूट हो गया मेरा, तो बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। समय रहते आप मुझे जब बताओगे तब तो मैं बता पाऊँगा ना। मेरे इंस्टा आईडी वगैरह से आप जुड़ जाइए। ऑलमोस्ट मैंने रात में 1200 मैसेज के कल रिप्लाई करे हैं भाई, 1200। मैं आपको सच्चाई बताऊँगा तो भरोसा नहीं करोगे, मैं सच में प्रॉपर डिनर नहीं कर रहा हूँ, स्लीपिंग नहीं है, बस इसलिए कि हाँ काउंसलिंग का समय है। ये एक क्रिटिकल समय होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। चलो थोड़ा सा अगर सह लेगा तो किसी का फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है, ये आप कोई माने ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली यही है। और कंडीशंस ऐसे हैं, जैसे आप पैनिक हो ऐसे मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ कि नहीं ये चीज़ें जानी चाहिए, नहीं बताऊँगा तो मिस हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं।